guys, what's up and welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ some easy and fun DIY. So, without further ado, let's get started. The material that you all need to make this is a kitchen towel. So हम तो ये मंगाते ही होंगे मंथ में एक महीने दो महीने में सबके घर में होता ही होगा एंड जब वो ख़त्म हो जाता है तो हमारे पास ये कार्टन का रोल बच जाता है एंड कुछ ऐसे कार्टन्स हैं जो हम ऑनलाइन कुछ भी मंगाते हैं हमारे पास आता है. तो मैंने मैंगो मंगाया था उसका मेरे पास एक्स्ट्रा रखा हुआ था. सम ग्लिटर फोम शीट्स ग्लू सीजर एंड कुछ स्टोन्स जो मैं आपको आगे दिखाऊँगी. सो सबसे पहले क्या करना है, मैंने लिया ये ग्लिटर फोम एंड उसको उस पर रोल करा है तो उसको मैं अच्छे से फेविकॉल से स्टिक कर दूंगी. इस ग्लिटर शीट को उस रोल के ऊपर अच्छे से फेविकॉल की हेल्प से लगा दूंगी. आपके पसंद का आपको जो भी कलर का लेना है आप ले सकते हैं. मैंने गोल्डन कलर लिया था एंड अब मैं क्या कर रही हूँ, एक कार्टन को मैं कट करूँगी. जो मेरा वो रोल का साइज़ था उससे थोड़े बड़े साइज़ का मैं एक सर्कल बना के उसको कट करूँगी एंड उसमें मैं सेम जो गोल्डन वाला शीट है उसी साइज़ का लेके उस कार्टन के ऊपर चिपका दूंगी. उस सर्कल के ऊपर पर्टिकुलरली मैं उसको चिपका दूंगी. सो जब तक मैं इसको कट कर रही हूँ चिपका रही हूँ तब तक मेरा जो वो रोल था उसको मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने उसको थ्रेड से सिक्योर कर दिया है क्योंकि वो फोम जो है ग्लिटर फोम शीट वो बहुत थिक है और वो बहुत ईजिली नहीं चिपक पा रही थी. उसको कुछ सपोर्ट चाहिए था तो मैंने उसको थ्रेड की हेल्प से कर दिया तो वो थोड़ी देर में फेविकॉल स्टिक कर जाएगा तो वो चिपक जाएगा. जब तक मैं ये कर रही हूँ तब तक मेरा वो स्टिक चिपक जाएगा. नाउ अभी जो मैंने बनाया है उसके ऊपर जो है मैं उसको फेविकॉल की हेल्प से स्टैंड कर दूंगी. सो बेसिकली मेरा वो नीचे का स्टैंड जैसा बन गया है. सो अब मैं क्या कर रही हूँ, दूसरी एक रेड कलर की ग्लिटर फोम शीट ली है मैंने तो उसका जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं वो मैंने तीन सर्कल्स में कभी तो भी कट किया था एंड उसका जो ये पोर्शन था ये टोटल वेस्ट था जो कि मेरे किसी भी काम में आने वाला था. मैंने उसको लिया है एंड उसको मैं ऐसे सर्कल करके इसमें स्टिक कर दूंगी. और ये वाली जो ग्लिटर शीट है ये स्टिकर वाली है तो ये और ज़्यादा ईजी है, ऐसे आपको मार्केट में ईजिली मिल जाती है. गोल्डन वाली में स्टिकर नहीं था बट इसमें था. बट उसको लगाने से पहले जो मैंने थ्रेड लगाया था उसको मैं रिमूव कर दूंगी क्योंकि अब इतनी देर में मेरा वो जो है वो अच्छे से चिपक गया है तो मैंने जो थ्रेड लगाई थी उसको रिमूव कर दूंगी एंड ये जो मेरा टोटल वेस्ट था जो मेरे किसी भी काम नहीं आने वाला था ये पर बहुत अच्छी सी एक डिज़ाइन बन गई थी जिसको मैं इसमें नीचे चिपका दूंगी. एंड अब मैंने लिए हैं ये ब्लू कलर के स्टोन्स जो मार्केट में बहुत ही ईजिली आपको 20 और 30 रुपए का पूरा एक पैकेट मिल जाएगा एंड वो बहुत सारे आपके DIYs में यूज़ आ सकते हैं सो आप उसको ले सकते हैं. एंड सिमिलरली मैंने रेड कलर का लिया है एंड उसको ब्लू वाले को मैंने नीचे सरफेस में थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में ऐसे लगा दिया है एंड रेड वाले को इस टाइप से लगाया है. सो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट. सो देखा आपने, इतना ईजिली और सारे वेस्ट से बहुत ही सुंदर चीज़ें बन के तैयार हो सकती तो क्यों हम हर बार मार्केट से इतना महंगा महंगा खरीदें, क्यों नहीं घर पर बनाएं. और वैसे भी अभी तो वैसे ही हमें बाहर नहीं निकलना है, घर पर ही रहना रहता है मोस्टली तो क्रिएटिव चीज़ें क्यों ना करी जाए. सो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट. उसके ऊपर आप अपने पसंद के फ्लावर्स रख सकते हैं एंड ये बन गया आपका बहुत ही सुंदर सा एक हाउस. सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको हेल्पफुल लगा होगा. यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.